सीरियल नागिन 3 में अनु की मर्डर मिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। सहगल परिवार ये समझने में नाकाम है कि आखिर कौन है जो घरवालों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एक के बाद एक घरवाले दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। वहीं सोनल एक ऐसी खबर लेकर घर में पहुंची जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सोनल का कहना है कि जिस वक्त अनु के साथ हादसा हुआ था वो उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि ये बेला और माहिर को अलग करने का पहला कदम है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसका फोन उस दिन कमरे में ही रह गया था और उस फोन के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कातिल तक पहुंचा जा सकता है। वहीं कल आपने ये भी देखा होगा कि सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया कि बेला की माँ को माहिर गोली मार देगा और वो भी बेला के सामने ही। माहिर गाड़ी से कहीं जा रहा होगा, उसी वक्त उसके सामने आ जाएगी बेला की माँ। वहाँ जो कुछ भी होगा बेला उसे अपनी आंखों से देखेगी और जाहिर सी बात है कि ये सब देखकर बेला चुप रहने वालों में से नहीं है। वो माहिर को गोली मारते देख ये कसम उठाएगी कि वो अपनी माँ का बदला माहिर से लेकर रहेगी। ये सब आप प्रोमो में भी देख ही चुके होंगे। बेला ने कसम खा ली है कि वो माहिर से बदला लेगी। अब क्या नागरानी माँ के अंत के साथ बेला और माहिर के रिश्ते का भी अंत हो जाएगा? क्या विक्रांत अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा? क्या बेला माहिर को मारने के अपने मकसद को पूरा कर पाएगी? इन सब के लिए आपको इंतजार करना होगा सीरियल के आने वाले एपिसोड का। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।